हेलो गाइस, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज दूसरा दिन है ट्रेन में और पल्लार सागर के स्टेशन है, वहाँ भी पहुँच गए हैं। स्टेट कौन सा ये? महाराष्ट्र। हेलो गाइस, वेलकम टू छपरी ब्लॉग। और ये डे टू है अभी ब्रिस्टल को मतलब छोड़े हैं, तो अभी कहाँ पहुँचा होगा? अभी वो ट्रेन में है, महाराष्ट्र में भी पहुँचा होगा, अभी बात उससे हुआ है। और क्या कहते हैं, अभी एंजॉय कर रहा है वो अपना जर्नी और फैमिली के साथ। अच्छा, लोग निकलेंगे नेपाल के लिए। अब हम लोग आज निकलेंगे नेपाल के लिए। हम लोग आज चारों लोग जाने वाले भैरवा, शाम को निकला जाएगा। उसके बाद भैरवा में अभी कल 11 बजे तक मेरा गाड़ी पहुंचेगा मेरे स्टेशन तक, तो फिर अभी ट्रेन में ही सफ़र करना है। 2 दिन से क्लास नहीं गया, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्त लोग सब ना परेशान करते रहते हैं, आदित्य, जुनेद, राज, राहुल, अजय, आशीष सब नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। सांप को पाल रहा था तो मज़े कर रहा हूँ मैं, मूवी देख रहे हैं, टाइम पास, खाना पीना। हेलो दोस्तों, जैसे कि ब्रिस्टल अब तो शायद पहुंच गया होगा। हाँ, पहुंच गया होगा। अभी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला क्योंकि हम लोग आ गए हैं नेपाल, तो नेपाल में जैसे कि जानते हैं नेटवर्क इशू रहता है, यहाँ पे नेपाली सिम बस चलता है, तो इसीलिए अभी बात नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे हम लोग मिले हैं एक फेमस टिकटॉकर, वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वो थोड़ा बिजी थे। प्राइवेसी भी नाम का कोई चीज़ होता है गाइस। अरे हम लोग आए हैं भैरवा, फिर गाइस हम लोग आए नेपाल। देखा अभी बाइक कब सुधरी गाइस, कैमरा देखकर परवाह लगा ना। ए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से छपरी ब्लॉग में। तो मेरे यूट्यूब पे चाहने वालों, तो घूमने में कैसा लगा? मजा आया। नमस्ते नमस्ते, बहुत मजा आया। हाँ, मेरी मेरा भाई, बहुत मजा आया। आज बाबा जी, राहुल राहुल सैड है, क्यों सैड है आप? अरे भाई, मेरा मेरा अंधेरे अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है राहुल। इसका ब्रेसलेट गिर गया राहुल मेरा है। तो अभी रात हो गया है, शाम के कितना बज रहा है? शाम को 7:30 हो गया है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नौतनवा के लिए। 7:16 हो रहा है तो हम लोग निकल रहे नौतनवा के लिए। उनके दिन अभी चेन्नई पहुंच चुके हैं, यहाँ पे चेन्नई आ गया है तो बहुत सारे लोग चले गए हैं, एकदम खाली है। ओके देन, अब सोने का टाइम हो गया, तो गुड नाइट। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग चेन्नई में पहुंचे हैं, तमिलनाडु स्टेट, और कल सुबह हम लोग पहुंचेंगे केरला त्रिशूर में। और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। कॉफ़ी पीने के लिए सोचे थे लेकिन यहाँ पे कुछ दुकान वकान कुछ है ही नहीं, प्लेटफॉर्म के एकदम पीछे साइड में आके गाड़ी रुक गई है। ओके ठीक है, अब फिर ना इसकी बात सुना है, कल सुबह फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी वही मैं सुबह के साथ और मैं उठ गया हूँ, और अभी तमिलनाडु में हम लोग हैं। तमिलनाडु में त्रिपुरा करके जगह है, वहाँ पे अभी पहुँचे हैं। 10 बजे मेरा जो ट्रेन है त्रिशूर स्टेशन में पहुँचेगा, वड़कतेर स्टेशन में पहुँचेगा, जो कि 1 घंटा लेट है। ठीक है, फिर थोड़ा तैयार और हो जाते हैं, फिर जाके नहाएंगे। ठीक है, फिर ट्रेन का स्पीड रॉकिंग, आप ट्रेन का स्पीड दे सकते हैं, हवाओं से बात कर रहा हूँ।
तो अभी बस 5 मिनट के अंदर हम अपने वड़कांचेरी करके चलते हैं, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो बस पहुँच गए हम लोग वड़कांचेरी। ये मेरा जगह का नाम है, ये त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बस पहुंच गया छोटू। तो बस सामान वामान उतारना है और फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी। ओके गाइस, तो पहुंच गए हैं। अब यहाँ से घर की तरफ जाना है, चाचा आए लेने के लिए चाचा के साथ। ओके देन, हम लोग घर पहुंच चुके हैं, जो कि 3 दिन का बहुत ट्रेन से ना सफ़र था, 3 दिन का वो भी। तो घर पे अभी पहुंच गए हैं। ट्रेन थोड़ा लेट था, फिर भी 10:40 ये टाइम से हम लोग घर पे पहुंच गए हैं आराम से। तो ये गाइस मेरा घर है, देख सकते हैं आप लोग, कहेंगे किस जंगल में मैं रहता हूँ, पर कोई बात नहीं। आगे अब है ना, यहाँ पे क्या क्या होता है, कुछ नए नए चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं आगे और दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ा फ्रेश होके फिर बनाते हैं।